जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या दुर्घटना होने से पहले कोई संकेत हमें मिलते हैं, क्या दुर्घटना होने से पहले कुछ संकेत हमें ईश्वर देता है जिन्हें हमें जानना चाहिए ताकि हमारे साथ वो दुर्घटना नहीं घटे, हमारा नुकसान नहीं हो। इस विषय पर आज चर्चा करेंगे, वो कौन कौन से संकेत हैं जो ईश्वर हमें देते हैं, और अब इन संकेतों को यदि थोड़ा सा समझ लेंगे, थोड़ा सा अनुभव कर लेंगे, तो आपको जीवन में कोई भी दुर्घटना या कोई भी नुकसान से आप पहले से ही चीज़ों के लिए अवेयर भी हो जाएंगे और पहले से ही आप बहुत सी चीज़ें समझ पाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा और अंत तक देखना, चीज़ों को बारीकी से समझना, क्योंकि अधूरा ज्ञान जीवन के लिए सही नहीं है। तो पूरा आप चीज़ों को समझना। उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है आपसे, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वो इसलिए करें क्योंकि सकारात्मक वीडियो आपको हमेशा इस चैनल पे मिलते हैं। दूसरी बात है कि कमेंट्स बॉक्स में भोलेनाथ का नाम जरूर लिखें, क्योंकि ईश्वर का नाम और स्मरण करने से जीवन की कई सारी परेशानियाँ खत्म हो जाती है, एक सच है। वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि मुझे अच्छा लगे, और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर फीस पे करके बात कर सकते हैं। पहली और मुख्य बात कि दुर्घटना से पहले कौन से संकेत मिलते हैं। अभी के इस दौर में सबसे ज्यादा दुर्घटना अगर आपके साथ हो रही है तो पहला साइन है आपको लालच देना। अब पूरी बात को गंभीरता से समझना कि ज्यादातर आर्थिक दुर्घटना या कोई भी दुर्घटना, देखिए वो उस दुर्घटनाएं भी कई प्रकार की होती, उन सभी पर मैं बात करूंगा, लेकिन इस दुर्घटना में सबसे पहली बात होती है लालच। वो बहुत जल्दी जल्दी में चीजें करेंगे, बहुत जल्दी जल्दी में आपको, क्योंकि आपको सोचने का वक्त नहीं देंगे। वो जो मनोविज्ञान है उस विज्ञान को खेलते हैं, उस विज्ञान को आपके साथ अप्लाई करते हैं आपके ऊपर। आपको जल्दी जल्दी में कुछ भी चीज समझने ही नहीं देते और लालच देते हैं, और आपका जो लालच का भाव है वो जागृत हो जाता है और तुरंत आप पैसे दे देते हैं, तुरंत जो भी चीजें होती वो, और आपके साथ हो जाती है दुर्घटना। अच्छे अच्छे समझदार बुद्धिजीवी लोग के साथ इस तरह की चीजें हुई है। तो पहली बात कि जहां लालच हो, जहां जमीन आसमान की चीज दिखे, कि जिसमें सामने वाले का कोई फायदा दिख ही नहीं रहा है, इसका तो नुकसान है, तो वो ऐसा कभी नहीं करेगा। आप खुद कभी आपका नुकसान चाहेंगे क्या? नहीं चाहेंगे। तो कोई भी व्यक्ति अपना नुकसान नहीं चाहता, वो केवल एक दाना है, मछली फंस गई, हमारे साथ दुर्घटना हो गई। ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल बात कह रहा हूं, कोई हवा में बात नहीं कह रहा हूं। दूसरी बात कि हमेशा जब भी आप घर से कोई भी काम के लिए निकले तो अगर छींक आ जाती है, एक छींक, क्योंकि छींक जो है वो डिसाइडेड नहीं होती, आपके घर में बघार लगे या कुछ वजह से आप तबीयत खराब है, उस वजह से छींक आना एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन नेचुरल एक छींक आ जाती है जिसमें कोई वजह नहीं होती। अगर उस तरह का छींक आए एक, तो उस समय को टाल दें, और अगर दो छींक आए तो वो शुभकर होती है, बिल्कुल आप घर से जाए, आप उस काम में आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो ये संभावना है। और तीसरी बात है कि गट फील हो जाता है। कई बार हमें ना कोई चीजें घटित होती है, उसके पहले हमारी गट फील, हमारा सिक्स सेंस चीजें कहते हैं, वो सिक्स सेंस जो है वो हमें आभासित करता है, तो उस चीज को भी थोड़ा सा महसूस करें तो बहुत अच्छा होगा। चौथी बात, ईश्वर का हमेशा जप करें, क्योंकि ईश्वर जो है ना वो सब समस्याओं का समाधान है, और जो भोले के दीवाने हैं, जो ईश्वर के दीवाने हैं, कोई उनका अगर अहित भी कर देगा जाने अनजाने, तो वो कभी सुखी नहीं रह पाएंगे। तो बोलो जय श्री महाकाल, कमेंट्स करो, लाइक करो। जय महाकाल।